हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। धसका सा लग गया है एकदम अचानक से। तो अभी ना टाइम हुआ है 1:30 बज गया है, 1:30 हो गए हैं और घर के काम तो मेरे काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ काम बीच में छूटे हुए हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। तो अभी मैं आई हूँ किचन में और खाना वगैरह तो सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं, एकदम बिल्कुल बढ़िया है किचन। तो अभी मैं सोच रही हूँ, अभी ना बोलने में धसका सा लग रहा है, वो क्यों लग रहा है ये मैं अभी बताती हूँ आपको। मुझे ना अचार डालना है आम का, जो कि मैं आम मैंने सुखाए थे वो अच्छे से सूख गए हैं और तैयार हैं अचार डालने के लिए। तो अभी मैं वो वाला काम करूँगी। तो इधर ना मैंने किचन में तेल जो होता है सरसों का वो वाला गरम कर दिया है, क्योंकि मैंने अभी इस पे नेट पे रेसिपी देखी थी कि कैसे कैसे डलता है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी डाला नहीं है। तो पहले मैंने इस पे देखा और जैसा कि मैंने उसमें देखा कि गरम तेल करके डालना है, तो मैंने वो वाला तेल गरम कर लिया है और उसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा घर में धसका धसका सा हो गया है, उसका धुआं धुआं सा हो रहा है। मैंने अभी ना फ़ैन वगैरह सब कुछ चलाए थे, लेकिन ना अभी नहीं जा पा रहा है, धीरे से जाएगा, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, सारे घर में हो गया है। तो चलिए अभी ना अचार डालते हैं। और ये टाइम था आराम करने का, लेकिन नहीं, जब आपके काम बीच में पड़े हुए हों, रुके हुए हों ना, तो फिर आराम करने में मन नहीं लगता है। मैंने सोचा पहले इस काम को ख़त्म कर दूं, उसके बाद आराम करूंगी, चाहे 3 बज जाएं। तो चलिए कपड़े सारे हाथ से ही धो करके सुखा दिए हैं, ये देखिए, अभी आपको ये देखिए सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धो करके सुखा दिए, क्योंकि मशीन अभी ठीक नहीं हुई है। वैसे लाइट आ रही है और लाइट को आए हुए भी आधा पौना घंटा हो गया है, तो मैंने सुखाए भी नहीं है, मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, सूख जाएंगे, मैंने मशीन में सुखाए भी नहीं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आगे का काम। और बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, धसका इतना ज़्यादा हो रहा है। इधर मैं ना ये अचार के आम रख रखे थे, ये वाले जो कल सुखाए थे, तो इनको सारे सामान को ना एक जगह कर लूँगी। जब सामान एक जगह हो जाएगा फिर आराम से अचार भी डाल लूँगी। इधर तेल भी गर्म हो गया है और इसमें ना तेल में काला काला सा घर का तेल है, तो कुछ हो गया, बैठा सा हो गया है इसमें काला काला सा, तो इसको ना छान करके डालूँगी, ये तो हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फटाफट से अब चीज़ें तैयार करती हूँ, जैसा जैसा कि मैंने देखा था क्या क्या चीज़ चाहिए। मेथी थी और सौंफ थी और क्या था, मेथी सौंफ और वो कलौंजी और राई और हल्दी और मिर्च नमक, ये सारी चीज़ें बताई गई थी उसमें। तो या ये सारी चीज़ें मैं तैयार कर लेती हूँ। वैसे हैं घर में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने अचार के लिए मंगवा रखी थी। मैंने इस अचार के लिए तो नहीं मंगवाई थी, मैंने मंगवाई थी वो मिर्च के अचार के लिए, पर कोई नहीं, पहले ये अचार डल रहा है तो पहले इसमें यूज कर लेते हैं, जो बचेगा मिर्च वाले अचार में यूज कर लेंगे, अगर नहीं बचेगा, अगर नहीं बचा तो फिर और मंगा लेंगे। तो चलिए करते हैं काम, बने रहिए वीडियो में और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे जो भी करेंगे।
गाइस सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं, जैसे कि सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया है। और मसाले में ना मैंने वो सौंफ और क्या बोलते हैं मेथी और कलौंजी और राई, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। और तेल है, नमक है, हल्दी है, ये सारी चीज़ें डाल के और मिक्स कर लिए हैं आपस में अच्छे से। और अभी ना मैंने इसमें ये आम का अचार वाला जो वो था, आम कटे हुए रखे थे, वो भी मैंने इसमें डाल लिए हैं। और मैंने तेल को पहले ही गर्म कर लिया था और फिर उसको अच्छे से ठंडा भी कर लिया था। तो यहाँ पर अचार गिरने की हो रही है पूरी तैयारी। अभी ना मैं इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अचार को, ताकि सारा मसाला इन आम में अच्छे से बैठ जाए। इसलिए अचार मैंने डाल दिया है अच्छे से, जैसा भी मुझसे आता था। मैंने तो पहली बार ही ये काम किया है, मैंने इससे पहले कभी नहीं किया है। तो जैसा जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने ऐसे कर दिया है और रख दिया है उसको, अचार को। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है इसमें, कि इसमें हार मिलती है जीत मिलती है। कोशिश की है हार जीत के लिए, जब हम जीत के लिए तैयार रहते हैं तो हमें हार के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और मैंने इसमें
डाल करके रख दिया है, और जो इसमें तेल बचा हुआ था ना, वो मैंने इस कढ़ाई से इस डब्बे में कर लिया है, क्योंकि ना फिर इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी, जब और बर्तन साफ़ होंगे तभी मैं इसको भी कर दूंगी। और मैंने अच्छे से डब्बे को पूंछ करके और रख दिया है। हाथ बहुत ज़्यादा चिकने से हो रहे थे, किसी भी कपड़े से लगाने में ना हाथों को डर लग रहा था, क्योंकि ना सारा काम तेल का ही था इसमें, अचार वगैरह में। तो अभी ना वो सब काम मेरा हो गया और मैं इधर आ गई हूँ। इधर ही कुछ बर्तन रखे हुए थे साफ़ हुए, तो मैंने उनको इस टोकरे से निकाल दिया है, क्योंकि ना अभी इसमें जो और बाकी के बर्तन हैं वो भी मुझे साफ़ करने हैं इसमें। और यहाँ पर ना मैंने पंखा चला रखा था, तो उससे ना क्या हो रहा था कि अच्छे से काम भी हो रहा था और गर्मी भी नहीं लग रही थी, वरना तो किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि अब मौसम ना बरसात तो 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं हो रही है, और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। आज और कल तो धूप बढ़िया निकली है एकदम। तो जो भी बर्तन थे जो रह गए थे वो उनको मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी, और ना अब इस किचन के काम को ख़त्म करके ही यहाँ से जाऊँगी, फिर आगे और भी काम है, और भी मुझे कुछ करना है काम, तो इसलिए। और ये ना इस सूट का दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा वैसा था, ये रुकता ही नहीं है बिल्कुल भी, और सर पे ओढ़ते हो तो भी नहीं रुकता है। मैंने कहा चलो, और मुझे क्या है कि मुझे सूती दुपट्टे हैं मेरे पास, पर मुझे ना सूट के दुपट्टे ओढ़ने ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे सूती दुपट्टे वैसे अच्छे रहते हैं गर्मी में, वैसे भी ना सर पे रख लो तो रपटते नहीं हैं, और वैसे भी अच्छे रहते हैं गर्मी में, लेकिन क्या है कि मुझे आदत है अपने सूट के दुपट्टे ओढ़ने की। तो मैंने कहा चलो ऐसे नहीं रुक रहा है, तो मैंने साइड में करके डाल लिया। वैसे भी यहाँ पर घर पे कौन है, कोई नहीं आ रहा है, और अगर नीचे जाऊँगी तो फिर देखूँगी, या तो इसी को ओढ़ जाऊँगी ऊपर से, थोड़ी दिक्कत सी तो रहेगी कोई नहीं, या फिर सूती दुपट्टा ओढ़ जाऊँगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, और बर्तन साफ़ करने के बाद जो छींटे सी आ जाती हैं थोड़ी बहुत, उनको भी यहाँ से मैंने साफ़ कर दिया है। तो सारे ही काम मैं साथ ही साथ करते हुए चल रही हूँ, कि ना मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी काम अधूरा ना रहे और सारे काम पूरे हो जाएं, तभी मैं किचन से बाहर जाऊँ। तो अभी ना मुझे काम करते हुए इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, प्यास तो मुझे बहुत देर से लग रही थी, लेकिन बस ये था कि इस काम को कर लूँ, इस काम को कर लूँ। ऐसे ही करते करते काम लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तब जाकर मैंने पानी पिया, और जो भी मैंने पानी इससे खिलाया था पीने के लिए, साथ के साथ मैंने इसमें रख भी दिया है, क्योंकि ना मैं किसी किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ रूम में, और रूम का काम भी मेरा कई दिन से रुका हुआ है, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी था करना, और बस ये था कि एक्स्ट्रा काम भी चल रहे थे घर के, तो जिनकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैं सारे ही कपड़ों को रख रही हूँ, जो भी कपड़े मेरे यहाँ पर थे उनको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि ना जब से मैं गांव से आई हूँ मेरे कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज जितने भी कपड़े हैं ना सबको अपनी अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर देते हैं। इस काम में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ना सारे कपड़े रखने हैं, सारी चीज़ें जो भी इसमें हैं वो अच्छे से सेट करनी है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम चला जाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज नहीं आराम करेंगे, आज ये काम ही ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ना ये सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ। वैसे ना मेरे सारे कपड़े धुले हुए थे, कोई भी कपड़ा मेरा ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे ही रख के लाई, सारे कपड़े मेरे धुले हुए थे, सारे कपड़ों पर मेरे प्रेस भी मैं करके लाई थी, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ पर आकर धुलना है या मुझे प्रेस करनी है, क्योंकि वहाँ पर मुझे क्या काम था, कुछ भी काम नहीं था, तो अपने कपड़े तो अच्छे से सेट कर ही सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर आकर तो ना बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम, साफ़ सफाई भी है, घर के काम भी हैं, है ना, अकेली भी हूँ, और वहाँ पर क्या था कि भाभी जी थी तो खाना वगैरह सब कुछ वो करती थी, मुझे कोई काम था ही नहीं, तो फिर मैं क्या करती। मैंने कहा चलो हम अपने कपड़े ही अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि हमें आगे चल के परेशानी ना हो, उस काम को करके हम अब यहाँ से ही चलेंगे। तो वही वाला काम मैं करके लाई थी, और इस काम को करने से ना बहुत आसान हो गया सब कुछ, बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ना यहाँ आकर और क्या था कि जब मैं वहाँ से आई तो तब मुझे अपनी मशीन भी ख़राब मिली थी, वॉशिंग मशीन, तो अच्छा रहा कि मैं वहीं पर सारे काम ख़त्म करके लाई हूँ, है ना। तो अभी मैं छाट रही थी कपड़े, जो मुझे डेली के सूट निकालने थे, जो मैं अभी आप पहन रही हूँ और भी एक दो रोज़ मैं पहन रही हूँ डेली में, तो वाले मुझे मैंने निकाल लिए हैं, और मैं सोच रही थी एक आधा सूट और निकाल लूँ, क्योंकि ना एक दो सूट, 2-3 सूटों में क्या है कि जल्दी से फिर वो ख़राब हो जाते हैं। मैंने कहा 4-5 सूट में निकाल लूँ तो सही रहेगा, तो मैं वही देख रही थी। 4 सूट तो मैंने निकाल लिए थे जो मैं पहन रही हूँ, एक सूट और देख रही थी। तो यहाँ पर ये मैंने रख दिए हैं अच्छे से तह करके, और ये जो और रह गए हैं सूट इनको भी अच्छे से तह करूँगी। और कभी कभी क्या होता है ना, एक कलर के आप जो कलर आप पर है ना, उस कलर के आप पर सूट ही होते चले जाते हैं, कभी कभी ना एक कलर के कई सूट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर वही देख रही थी, मैंने कहा लो आपके कितने इसी कलर के सारे सूट हो गए हैं। और अभी ना बारी आ गई है अनुष्का के कपड़ों की, मेरे जो कपड़े थे वो मैंने अपने अच्छे से सेट कर लिए हैं, अब बारी है अनुष्का के कपड़ों की। तो मैं यहाँ पर ना अनुष्का के कपड़े यहाँ पर सेट कर रही हूँ, जो कि मैं
रख के मतलब प्रेस करके ले करके आ गई थी, तो वो वाले मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ अभी अनुष्का के भी। बस इसके सेट करने के बाद फिर ये कपड़ों का काम भी हो जाएगा ख़त्म। और बैग उठाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, वो मैं बैग को बाद में रख दूँगी। सेट तो हो ही गए हैं, बस उठा करके रखने हैं। तो अभी मैं देख रही थी यहाँ पर कि कपड़े किधर किधर कैसे कैसे रखने हैं, क्योंकि जब हम गांव गए थे ना तो जल्दबाजी में अनुष्का ने भी सारे कपड़े ना उलट पुलट कर दिए थे, बहुत ही बेकार कर दिए थे। और यहाँ पर यह है अनुष्का का फ्रॉक, जिसकी मैं अच्छे से तय कर रही थी, क्योंकि अनुष्का इसको लेकर के गई थी अपने मामा जी के लड़के के बर्थडे पर, उसने ये पहना था जब केक कटिंग हुआ था तब। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी अच्छे से सेट कर दूँ। और छोटे छोटे कपड़े होते हैं बहुत सारे, वो भी ना मैं एक छोटी सी पोलोथीन ले लेती हूँ, उसमें एक जगह करके रख देती हूँ, जिससे कि ढूंढने में फिर क्या है कि दिक्कत ना रहे। और ना ये छोटे कपड़े ना बहुत जल्दी ऐसे मिलते भी नहीं हैं, कपड़ों में दब जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है इनको ढूंढने में। और जो कपड़े पुराने थे उनको मैं अलमारी में सेट कर दूँगी बाहर, जिसमें हम डेली वाले कपड़े अपने रखते हैं, तो वो मैंने उसमें रख दिए हैं। और जो नए कपड़े थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आकर लेट गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक भी गई हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कुछ काम करने का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सारा दिन मुझे निकल गया है काम करते हुए। और अभी टाइम हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 3:10 बाकी हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, चाहे आज मुझे 3 बज जाए लेकिन मैं ये काम करके ही रहूँगी, तो वही बात हो गई जो बोला था, वही बात हो गई। और बहुत ज़्यादा थक गई, मैं यहाँ पर आकर लेट गई, और इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं एक गिलास पानी भी पी लूँ। अनुष्का यहाँ पर पानी की बोतल रख गई है, मैंने उससे बोला था कि बाबू मेरे लिए पानी ले आओ, तो वो लेकर के आ गई है। अब पानी तो आ गया है लेकिन अब पीने की हिम्मत नहीं है, तो अभी पीऊँगी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पानी पीने का। फिर अनुष्का ना इधर बैठी हुई है और अनुष्का कर रही है पढ़ाई, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कहे मतलब मैंने कहा भी नहीं था, और अनुष्का बिना कहे ही यहाँ पर पढ़ाई कर रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।